मैं चाणक्य हूं और आज मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। बल का अर्थ शारीरिक बल नहीं होता, अर्थात बल का असली अर्थ वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति से लड़ने और बाहर आने में सहायक होती है। जैसे पहला, ब्राह्मणों का बल। ब्राह्मणों का बल होता है विद्या। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही बोला जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वह विद्या ग्रहण करके अपने बल को बढ़ाएं। दूसरा, राजाओं का बल। राजाओं का बल होता है उनकी सेना। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि सेना में भर्ती है या सेना से संबंधित कार्य करता है तो उसे क्षत्रिय ही बोला जाएगा। इसलिए एक क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह सैनिकों द्वारा अपना बल बढ़ाता रहे। तीसरा, वैश्यों का बल। वैश्यों का बल होता है उनका धन। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि व्यापारी है, कृषि कार्य में लगा है या पशुपालन से संबंध रखता है तो उसे वैश्य ही बोला जाएगा। इसलिए वैश्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने कार्य अनुसार धन को बढ़ाता रहे। चौथा, शूद्रों का बल। शूद्रों का बल होता है दूसरों की सेवा करना। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता, अपितु किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि सेवा के कार्य से संबंध रखता है तो उसे शूद्र ही बोला जाता है। इसलिए शूद्रों का विशेष गुण होता है आज्ञा पालन और यह लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। विनम्र प्रार्थना। और ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करें। आपका आभार।